नमस्कार दोस्तों, अखबार से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाले यहाँ पे Realme 5 और Realme 5S के जून के महीने के एक नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों Realme 5 और Realme 5S के अंदर C.47 करके एक नया अपडेट जो है रोल आउट होना चालू हो चुका है। यहाँ पर फिलहाल आप स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शॉट देख सकते हो, जहाँ पे RMX 1911 जो कि Realme 5 का मॉडल नंबर और साथ में भैया C.47 वाला जो अपडेट है वो मिल चुका है। नीचे देखोगे साइज तो 267 MB की साइज है, जहाँ पे यार आपको देखने को मिल जाता है ऑप्टिमाइज्ड कैमरा स्टेबिलिटी, इम्प्रूव्ड कैमरा एक्सपीरियंस एंड ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम स्टेबिलिटी। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फुल चेंज लॉक की, तो फिलहाल यहाँ पे आप फुल चेंज लॉक देख पा रहे हो। बहुत सारे बग्स है जिसको यहाँ पे फिक्स किया गया है, मैं आपको पढ़ के बिल्कुल भी सुनाने वाला हूँ नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो कहने का मतलब Realme 5 और Realme 5S में बहुत सारे बग्स थे जिनको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और नीचे देखोगे तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर Realme Buds Air Neo की जो साउंड क्वालिटी है ना उसको यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव किया, मतलब जो ऑडियो क्वालिटी है उसको यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव किया है और थोड़ा सा स्टेबल भी किया है। तो यार ये रहा फुल चेंज लॉक, बहुत ही बढ़िया सा अपडेट रोल आउट हो रहा है Realme 5 और Realme 5S के लिए। तो अगर आप एक Realme 5 और Realme 5S यूजर हो तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताओ कि अपडेट जो है ये आपको मिला है कि नहीं मिला है। अगर आपको मिला है तो कर लो, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे है नहीं, जितने भी बग्स है ना वो सबके सब फिक्स हो जाएंगे। और अगर आपको अपडेट नहीं मिला है थोड़ा सा वेट कर लो, मैक्सिमम 1 या 2 वीक्स के अंदर आपको ये अपडेट देखने को जरूर से मिल जाएगा। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे ही बने रहो, हमेशा स्मार्ट रहिए।